दोनों बटन सेफ्टी मोड पर प्रेस किया सेफ्टी मोड के लिए। यस पासवर्ड मोड लग गया। पासवर्ड मोड, पासवर्ड मोड मतलब डेमो मोड में अगर हम चाहिए इसको स्टार्ट करना है तो हमें इसे 7 पे लेके जाना होगा। ओके 6 7 7 आ गया, देन सेलेक्ट। ये पासवर्ड मोड लग गया। ये पासवर्ड मोड में लगा हुआ है उसके लिए ये सिंबल है, ये लाइट जब तक आ रही है इसका मतलब ये पासवर्ड डेमो मोड पे है, या डीलर मोड बोल सकते हैं। यस और अब इससे बाहर आने के लिए दोबारा से इसको प्रेस करेंगे। देखने के लिए कर रहे हैं कि बस किसमें क्या हो रहा है, ले लेना तुम उनसे। जीरो आ गया। बाहर आने के लिए इसी बटन को प्रेस, आपको चेंज करना है तो इससे चेंज करोगे, साथ लेकर आके देन सेलेक्ट। अब नेक्स्ट सॉफ्टवेयर वर्जन बता रहा है। अब आपका एक सेंसर टेस्टिंग मोड पे आ गया, सारे सेंसर्स के बारे में बता रहा है कौन सा सेंसर पे क्या। अब वन बाय वन चेक करना है तो एक एक करके इसे आप चेक कर, FH FE RH और चौथा RE, मतलब दो सेंसर ऊपर के दो सेंसर नीचे के, दोनों सेंसर हो गए। ठीक है, अब अगले पे जाने के लिए दोनों एक साथ SC ऑफ। SC के मतलब यार देखो ये चीज वैसे गलत है, ऐसी मोड में हम आपके ऑल लाइट ऑल फैन ऑन कर सकते हैं। हमने जैसे ऑन किया लाइट फैन सब ऑन हो गया। अब इसे अगर हम ऑफ करना चाहते हैं, जैसे हमने ऑफ किया हमारी लाइट फैन सब ऑफ हो। नेक्स्ट कंपोनेंट टेस्टिंग FF जहाँ पे F बड़ा F लिखा आएगा मतलब फ्रेश फूड कंपार्टमेंट, मतलब रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट। ओके, अगर यहाँ पे स्टार्टिंग में अगर R लिखा आ रहा है तो आपका फ्रीजर कंपार्टमेंट है। FF मतलब फ्रेश फूड का फैन, ऑफ ऑन करेंगे तो हमारा फैन ऑन हो जाएगा, ये इसकी स्पीड है। ठीक है, ऑफ ऑन। नेक्स्ट कंपोनेंट टेस्टिंग एक बार प्रेस किया HC, पता नहीं क्या लीटर बोला था, कोई लीटर हो सकता है, नहीं HC में कोई डिसाइड नहीं है, HC में कुछ नहीं है, ऐसे है कुछ नहीं। आईओ आयोनाइजर है, ऐसे के लिए मना किया था उन्होंने। BA ब्लू लाइट के लिए हो गया, लो करके क्या देखना मालूम था। ये FL फ्रेश फूड की लाइट, हां ये सर अभी ऑफ है, ऊपर भी लाइट है इसमें, ये ऑन कर दिया, ऊपर भी लाइट है, दोनों लाइट एक साथ जलेगी। ठीक है, अगला RF फ्रीजर का फैन देखना होगा, फ्रीजर का फैन ऑफ है, ऑन हो गया, फ्रीजर का फैन, फ्रीजर का एवोपेटर पे जो हीटर लगा हुआ है उसको हम ऑन करना चाहते थे, ऑन करके देख सकते हैं, मगर एटलीस्ट कॉइल पे -13 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए तभी आपका हीटर में सप्लाई जाएगी। अगर -13 डिग्री टेम्परेचर नहीं है तो हीटर आप ऑन नहीं कर सकते। राइट, CO कंप्रेसर ऑन ऑफ करने के लिए, सोलेनोइड वाल्व को ऑन करने के लिए, अगर 3 पे है तो दोनों साइड ऑन है, दोनों साइड चल रही, अभी गैस पंप हो रही है। 1 पे करेंगे तो आपका फ्रिज की ऑन होगी और 2 पे करेंगे तो आपका फ्रीजर की लाइन ऑन हो जाएगी। कैप करें, नेक्स्ट फिर से फ्रेश फूड कंपार्टमेंट दोबारा से स्टार्ट हो गया। अब इसके बाद मेरे ख्याल में इसके आगे और कुछ तो होना नहीं चाहिए, देखते हैं और कुछ भी है क्या। सेंसर टेस्टिंग में इसे एग्जिट करने के लिए इसको हम प्रेस करेंगे 2 सेकंड, टेस्ट मोड से बाहर। सेम वो यार, कोई चेंजेस